चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क विक्रम लैंडर से टूटा तो भारत तो बौखलाया नहीं, पाकिस्तान जरूर बौखला गया। कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही, मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पाकिस्तान पर ये शेर बिल्कुल स्टिक बैठता है। पाकिस्तान के झंडे में भले ही चांद का टुकड़ा दिखता हो, लेकिन उसके बस की बात नहीं कि वह चांद पर जाने की कभी सोचे भी। हालांकि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क विक्रम लैंडर से टूटा तो इमरान के बड़बोले मंत्री आपा खो बैठे। चंद्रयान 2 से संपर्क इसरो का टूटा और बेचैनी पड़ोसी मुल्क को होने लगी। जुबान फवाद चौधरी की लड़खड़ाने लगी। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद को साइंस का कहरा पहले ही पता नहीं, लेकिन चले आए दुनिया के सबसे कठिन मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी करने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो काम नहीं आते ना पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। जनाब इतनी हड़बड़ी में थे कि इंडिया को इंडिया लिख डाला। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मंत्री की खूब लानत मलानत होने लगी। लेकिन इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। पीएम मोदी जिस वक्त इसरो के चेयरमैन P.Sivan और उनकी टीम को हौसला अफजाई कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के इस मंत्री ने एक और ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि वह राजनेता की बजाय अंतरिक्ष यात्री हों। भारत से पहले शुरू हुआ था पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम। सन 1961 में पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन बनाया, जबकि भारत ने बनाया 8 साल बाद 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 1990 में छोड़ा और वह भी दूसरे देश की मदद से, लेकिन भारत ने तो इसरो बनाया और 6 साल के अंदर ही 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेज दिया। जहां हिंदुस्तान ने हमेशा ही वैज्ञानिकों को सम्मान और तहरीज दी और इसरो का कोई प्रमुख कोई महान वैज्ञानिक बनता रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने स्पेस कमीशन का मुखिया सेना के अधिकारी को बनाता रहा है। अब जिस देश का अंतरिक्ष विज्ञान भी आतंकवादियों से भरी फौज का मोहताज हो, उसका तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकते। इसरो ने अंतरिक्ष का परिचय भारत को करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि आतंकवाद से अपना परिचय छोड़ने को तैयार नहीं।